उसूल है लोगों को मजाक कराओ, जीना मत सिखाओ। हमारे घर में क्या करिए, ये घर उसका भी है वो भी यही इसका घर है ये। हाँ वजीब, बस बार बार ये बहस नहीं चलेगी, तुमसे नहीं हजम होती ना तो तुम ये घर छोड़ के जा सकते हो। बस करिए, मैं अपना घर छोड़ के जाऊंगा इसकी वजह से। खुदा के वास्ते चले जाओ तुम अब। दवाई खिलाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है साहब जी, ये सामान कहाँ रखना है? ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनिएगा। आपको मैंने सिर्फ इनका ख्याल रखने के लिए रखा है, आप घर का कोई और काम नहीं करेंगे। ठीक है? ठीक है साहब जी। आ जाए, मैं आपको अंदर बैठा देता हूँ। और तुम बैठी हो ना भाई के साथ? भाई मैं सिर्फ आ रहा हूँ अंदर से दिखा के। आज ये अंदर रख दीजिएगा, उसके बाद आपको मैं भाई के पास बैठा देखूँ। जी भाई। क्या कह रहे हो? भाई आप सही हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको, आप फिर से चलेंगे। डॉक्टर्स ने हमें बड़ी उम्मीद दिलाई है, वो कहते हैं आप ठीक हो जाएंगे, खुद अपने पांव पे खड़े होंगे, चलेंगे, आप चल सकेंगे। जस्ट बी स्ट्रॉन्ग भाई, हमने होप नहीं लूज करनी। निकाह करना चाहता हूँ, आपको शादी से निकाह करना। जो कुछ किया है तुम्हारे अपने भाई ने किया है, उस लड़की को अपने प्यार में फंसा के उसे लूट लिया। फिर बताओ। झूठ बोला था मैंने। अच्छा नहीं लग रहा आपको सारे, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं नहीं चाहती थी ये सब कुछ हो, मगर आपने अगर उसका साथ ना दिया होता तो आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। बहुत रोका था आपको, बहुत छोटी थी जब मेरे अब्बा चले गए, कभी बाप का प्यार ही नहीं मिला। लेकिन आपको पता है, जब मैं ब्याह के आपके घर आई थी, बड़े भाई का बाप का प्यार दिया आपने मुझे, बहुत प्यार दिया।
मुझे लगा मेरे सर पे जो साया है सारी जिंदगी मेरे सर पे रहेगा, मगर आपने बहुत गलत किया है। गलतियों पे गलतियां। उसके हैबू पे पर्दा डालते रहे आप। कितना समझाया था मैंने आपको, आप गलत का साथ दे रहे हैं, बोला था मैंने आपको। फिर और क्या बात हो रही है? इन्हें कह रही हूँ कि तुम जैसे खूनी का साथ ना दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। तो बिल्कुल भी नहीं आती होगी, है ना? एक बीमार आदमी को ताने देकर आ रही हो। वजह, तमीज से बात किया करो तुम। हाँ, तमीज से बात करूं? किससे? इससे, जिसने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया, इससे तमीज से बात करूं मैं? आपसे बात कर रहा हूं। हेलो, सुन रहे? ये बात याद रखना, जिस हालत में मेरा भाई है कल उसी हालत में खुद भी हो सकती है। तुम भी तो हो सकते हो। सोचो जरा, एक हंसता खेलता इंसान जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, आज इस हालत में बिस्तर पे पड़ा है। बड़े भैया ने सिर्फ तुम्हारी मदद की थी ना, मदद करने वाले की यह हालत, तो जिसने जुर्म किया है उसके साथ क्या हो सकता है? सोचना जरूर। वाह भाई वाह, क्या बात। समझाओ, थोड़ा अकल डालो दिमाग में। जो दिल आता है बोलती जाती है, बोलती जाती है। ये पहला और आखिरी मौका है, अगर मेरे भाई को ताना दिया मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लिहाज नहीं करूंगा किसी बात का। समझा देना, जाओ यहाँ से। तो हम जा कर रहे हैं फार्म हाउस। फार्म हाउस क्यों, और कहाँ जाना है? नहीं, मैं क्या मतलब है तुम्हारा? शायद कभी हमारा निकाह हुआ नहीं है, होना है। निकाह? तुम्हारे भाई ने निकाह किया था ना आपसे? ये मेरे भाई का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? जिक्र आए ना आया, अमाल जरूर सामने आ। समझे नहीं क्या कह रहे हो तुम? तो समझ लो कि तुम्हें उठा के ले जा रहे। इस औरत ने मेरा जीना आराम कर दिया यार। यार इस औरत का जो है ना, तुम रोना छोड़ दो और आओ हमारे साथ खेलो यार। दिल नहीं है यार, तुझे ऐसी मुंह बनाना था तो घर बैठा रहता, यहाँ क्यों आया हमारे साथ? अपने काम से काम रख, गेम खेल चुप करके। शारिक गाड़ी रोको, मुझे घर छोड़ के आओ। शारिक प्लीज स्टॉप द कार। शारिक गाड़ी रोको, तुम किसे कॉल कर रहे हो? ये तुम्हारे भाई। शारिक मुझे क्यों कॉल कर रहा है? मुझे क्या पता, पता नहीं, उठा के देख। वजी, वजी, कान खोल कर मेरी बात सुन लो। मैं इतनी जल्दी अपनी बेइज्जती भूलने वाला नहीं। बाजी मुझे बचा लो। तुम्हारी बहन मेरे पास है और आने वाले चंद दिन मेरे पास ही रहे, फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। तब तक तुम इंतजार करो। शारिक मुझे घर छोड़ के आओ। क्या चाहता है मुझसे बोल, क्या चाहता है मुझसे बोल? जो तुम नायाब से चाहते थे बाजी, वही। और एक बात याद रखना, अगर पुलिस में कंप्लेन की तो जिंदा वापिस नहीं मिलेगी, नायाब की तरह छत से फेंक दूंगा इसे। मेरी बहन को अगवा करके ले गया तू? क्या लगती क्या नायाब तेरी, बता। मेरा नायाब से कोई रिश्ता नहीं।
पर मैं इससे वही रिश्ता बनाऊंगा जो तुम नायाब से बनाना चाहते थे। सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। शारिक मेरी बहन को हाथ मत लगाना, मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरी बहन को हाथ मत लगाना। घटिया बेशरम इंसान, मैं शादी करने आई थी तुमसे। शादी तो नायाब भी करना चाहती थी इससे ना। देख नायाब को बार बार बीच मत लेकर, तेरी मेरी बात है, मिलकर सुलझाते हैं। मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ। तुम्हें याद है तुमने मेरे खिलाफ बयान दिया था कि मैंने नायाब को मिस हैंडल करने की कोशिश की। उस एग्जाम की वजह से मेरी मंगनी टूट गई, पर अब मैं तुझे सचमुच मिस हैंडल करके दिखाऊंगा। देख मेरी बात कान खोल के सुन, मेरी बहन से दूर रहना। जो भी झगड़ा है तेरे मेरे बीच है, मुझसे बात कर, मर्द बन। मुझे प्लीज जल्दी आओ। मुझे प्लीज। फॉर माय नेक्स्ट कॉल। मुझे। येरी शारिक पागल तो नहीं हो गया? तू खड़ा क्या है, जाकर देख उसको। काट के तुम्हें सारे को। ठीक इससे मिलना है। शारिक का शारिक भाई बाहर गया। शारिक कहाँ है? आपसे कहा बाहर रुके। जाके उसको बोल वजी आया। पीछे जाके बोल वजी आया उसे। आपको कहा वो बाहर गए हुए हैं। बाहर गया? झूठ बोलता है मुझसे। हाँ झूठ बोलता है। जाके बुलाओ उसके माँ बाप को, मेरी बहन को लेकर आए वो। बुलाओ सर। समझ नहीं आती। जाके बुलाओ सर। गोली मार दूंगा अगर ज्यादा जिद्दी तो। गोली चलाएगा मुझ पे? हाँ गोली चलाएगा। बाहर तुम अपनी औकात मेरे, तेरा बाप आए ना अपने बाप को बोलना, मर्द का बच्चा कुछ बच्ची से बात। अच्छा अच्छा अभी शाबाश, निकलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कहाँ पर है? हाँ कौन साहब? मेरी बहनों शारिक किधर है? शारिक साहब तो यहाँ नहीं बोल रहे मुझसे, चल लेके जा। मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं बात कर रहा है मेरे सामने। सर देखिए थोड़े पीछे होके बात करें, जाए दरवाजे खुले अंदर देख ले। तो मैं तुझे बताता हूँ। कमरा बदल दिया, चलो को पार्शो एसी को होना बहुत जरूरी, तुझे पता गर्मी बहुत होती है यार है? और ये पंखा भी चेंज करा, और ये लैपटॉप का कहा था, ये क्या लेके आया है, क्या रखा हुआ है, इसको उठाओ इधर से। मुझे एफआईआर कटवानी है। देख रहा है मैं बिजी हूँ तुझसे बाद में। क्या मतलब बिजी हो? मेरी बहन अगवा हो गई, क्या मतलब बिजी हो?
ओ भाई अगर तुझे इतनी जल्दी है ना तो जाके बाहर कंप्लेन लिखवा ले। मुझे वेट करने का बोल रहा है। हाँ पकड़। बात सुन, अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे। एफ आई आर काट मेरे लिए। चुप करके एफ आई आर काट 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 जल्दी। ओ भाई तुझे बहुत जल्दी है, बहुत ज्यादा जल्दी है, तो बाहर जाके बैठ जा। मेरी बहन। क्या बहन बहन लगाया हुआ तूने? हैं? और तू तो चक्करों में रहता है औरतों के, कभी अपनी बहन कभी किसी की बहन। बस अच्छा बस, तेरे मुंह पे ज्यादा पैसे नहीं ठूसे तो अकड़ रहा है मेरे सामने, भौंक रहा है मेरे सामने। हमें मेरी बहन का मामला है, कोई जातियात नहीं चाहिए मुझे। ये मत भूल तू मेरे पैसों पे पलने वाला अफसर है। एफआईआर काट चुप करके। बात सुन, वो तेरे पैसे नहीं थे, मैंने तुझ पे एहसान किया था। देख लूंगा तुझे मैं। एफआईआर काट मेरी चुप करके। वो तू बाद में भी नहीं देख सकता, तू जो इतना अकड़ता है ना अपने भाई पे बैठा हुआ। चल चल जा, कोई एफआईआर मैं नहीं काटनी। तो एफआईआर नहीं काटेगा? हां नहीं काटेगा। नहीं ये मेरा इलाका नहीं। मैं तुझे इलाका बताया भी नहीं अब तक। हां चालाक बन रहा मेरे सामने। अब भगवान भी तेरी बहन। आज सुबह कहां से? मुझे नहीं पता, शारिक की कॉल आई थी। शारिक ने मुझे वीडियो कॉल की, मेरी बहन को मार रहा था, पीट रहा था। उसने मुझे कहा कि मैं तेरी बहन के साथ वही अशर करूंगा जो मैंने नया आपके साथ किया। अपनी औकात में रहे, तुझे जो बोल रहा हूं करे। फायर काट यार। इसको कहते हैं मकामात है अमल। दूसरों की बेटी और बहनों के साथ इस तरह कर रहा था, आप तेरी बहन के साथ भी ऐसा? महीना देता हूं मैं तुझे, लाख रुपया महीना लेता है तू मुझसे। खड़ा हुआ मुंह आगे करके चल दबा जा। ओ भाई, ओ मियां, ओ पप्पू, उस लड़की का आखिरी बयान मेरे पास मौजूद है। अब निकल यहां से पुठा खा, चल निकल जाते हैं। देख लूंगा तुझे मैं। अच्छा बड़ा शौक है तुझे देखने का। आ बेटा देख। इसी तरह तुझे सबके सामने नंगा करूंगा, देखना दो तके का आदमी। ओए अभी तो तूरे नंगा हो रहे हैं, छह टके के बच्चे। आ बड़ा हमें नंगा करने वाला, कोई आई ना जाए। क्या हुआ? एफआईआर नहीं कटी मेरी बहन के? खुद पे जब गुजरती है भाग बुरा लगता है। मन्नत याद रखना, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ जान ले लूंगा तुम्हारी। जान लेने में तो आप माहिर। जानती हो ना तुम मुझसे बेहतर कौन जानता है? जानती हो ना मेरी बहन के? अंदर कोई आपका इंतजार कर रहा है। क्या बकवास कर रही हो ये? हम क्या बकवास कर रही हो? शोहर है ये मेरा, निकाह कर चुके हैं। क्या कह रही आप जानते हैं इस बारे में? क्या तरीका है ये? क्या चल क्या रहा है? ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? हाँ ये मुझे कॉल करता है, कॉल करके दिखाता है तुम्हारी बहन को मैं मार रहा हूँ, जैसे मैंने नया आपके साथ। क्या नया आपके साथ? नहीं नया आपके साथ क्या? नहीं तुमने कुछ बोला नहीं आपके बारे में, कुछ बोला उसके बारे में, बोलो नहीं आपके बारे में। जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो। क्या पूछ रहे हो तुम? क्या तरीका शादी करने का? क्या तरीके? हाँ बंद रखना, ये क्या तरीका? तरीका कोई भी हो शादी करनी चाहिए, और किसी की बेटी को हवस का निशाना बनाने से बेहतर है कि उसे अपनी इज्जत दीजिए। अपनी औकात में रहे, औकात में रहे अपनी, समझ आई? तू मेरी बहन से शादी करेगा शराबी साला, तेरे जैसे भी मैं। तुम जैसे भाइयों की बहनों की शादियां ना ऐसे ही होती हैं, घर से भाग के छुप के। और उन्हें शोहर भी मेरे जैसे,
शराबी, समझा? अफसोस हो रहा है यार मुझे, अफसोस हो रहा है तुम्हें, अफसोस हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए ख्वार हो रहा था, तुम्हें ढूंढ रहा था मैं। ये जानती है इस निकाह के बारे में? और मैं गैरों की तरह ख्वार हो रहा हूं, तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तो मेरा एहसास नहीं हुआ? तुम्हें मेरा एहसास हो क्या? मेरे एहसास से तो तुम्हारी आंखें भर आई हैं। मेरा शादी का नाम बताना तो तुम्हें मारेगी। कभी सोचे हमारे उस भाई के बारे में जो तुम्हारे हाथों मारा गया? उसे मरते हुए तड़पता हुआ छोड़ के भाग गए तुम, शर्म नहीं आई तुम्हें? याद है मुझे उसकी आंखों में वो शिकवा? भूली नहीं हूं मैं। और उसका जो शिकवा है ना, तुम्हारे शिकवे से कहीं ज्यादा अहमियत रखते, क्योंकि वो मेरा अच्छा भाई था। आज के बाद से मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए मर चुकी। मेरी मौत का सुन के भी, मेरे लिए परेशान होने के लिए मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे तुम? शादी तो हो चुकी है मेरी, इसे मेरा फैसला समझो या मेरा बदला। एक्सेप्ट इट नाउ। ठीक है। खेल खेला जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है मुझे। आप सब मिलेंगे। खुदा के वास्ते ही अपनी विनिंग लोग अपने पास रखें, नहीं फर्क पड़ता मुझे। आ रही है समझ? हारा हुआ इंसान जरा देर से अपनी बदकिस्मती तस्लीम करता है। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते। अगर तुम्हें पता ना होता तो कहता ये नज़्म मैंने लिखी है। और किसके लिए लिखी होती? कौन है बात? खोलो, मैं हूं अंदर। दरवाजा खोलो। कौन है बात? दावा तो नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, पर मैं ये वादा जरूर करता हूं कि जो ट्रस्ट आपने मुझ पर हया पे किया उसे पूरा करूं। मैं हया का बहुत ख्याल रखूंगा भैया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका भाई और आपका बेटा बन के साबित करूं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बस ये आपकी दुआएं हैं। मैं तो आपके लिए बिल्कुल दुआ नहीं करती। वैसे भी ना कहे ना, याद तो करती है ना, इसलिए मुझे बुलाया। तशरीफ रखिए। थैंक यू। जी बस जरा पर्सनल सा काम था। ओह माय गॉड, आमिर खान, माय टू किड्स, हैप्पी मैरिड लाइफ अनफॉर्चुनेटली। जी की ऐसा क्या हुआ आमिर खान साहब? मेरा जमीर जगाते जगाते आपका मर गया। मैं समझा नहीं। आप खुद चलकर आए थे ना मेरे पास, नायाब का बयान लेकर, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मन्नत से कहना राजा भेड़िया निकला। फिर अचानक क्या हुआ? आई नो केस खत्म हो चुका है, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन सिर्फ मैं अपने लिए जानना चाह रही हूँ आपको अचानक क्या हुआ। स्लीपिंग पिल्स दे दे अपने समीर, अपने ईमान को। ये जो नोटों की गड्डियां होती है ना, और उनकी खुशबू और इंसान को ख्वाब और ख्वाबों की ताबीर नजर आती है। मैंने भी सुना दिया था अपने ईमान को, 50 लाख रुपए पहले दे दिए थे। जिसको भी 50-60 लाख रुपए एकदम मिल रहे हो, भाड़ में जाएगा। तो क्या जरूरत है ईमान शिमान की? सो यावर साहब आजकल बीमार पड़े हुए हैं। 4 माह हो गए ईमान का किराया नहीं मिला। ईमान का किराया? हाँ, बयान बदलने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए महीना लगाया था। लॉस जा रहा है। तो लॉस क्यों सहते हैं? वजह है ना, उसे मांगे। वे नॉटी हैं, बहुत नॉटी हैं। इद्दत तो पूरी हो गई, अब क्या इरादे? इरादे तो बड़े खतरनाक है मेरे। चलिए मैं निकलती हूँ। कुछ खा पी लीजिए, बिल मैं दूंगा। मैंने जो पूछना था पूछ लिया। होप टू सी यू सून, इंशाल्लाह। अरे ओए आमिर खान, लग रहा रहेगी ये तुझे। मैं भी दूसरी बार सेहरा बांधने के लिए तैयार, नो प्रॉब्लम। भाई कोई वेटर है या नहीं? चाय तो पिला दो। सलीम, सलीम कहाँ है? साहब वो बाजार गया हुआ है कुछ सामान लेने के लिए। क्या भेजा यार उसे? साहब मुझे पता नहीं है। डंबल्स देखे मेरे? साहब वो क्या होता है? सलीम आए तो उसको बोलना मुझसे मिले। हाँ भाई किधर हो? मैं वजी भैया बाजार आया हूँ। जरा जल्दी आओ यार, किसने भेजा है तुम्हें? मुझे अपना एक काम था, इस वजह से मैं आ गया बाजार। अच्छा बात सुनो, ये मेरे डंबल्स किधर हैं? वो आप, हाँ वो स्टोर में रख दिए थे मैंने। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कोई जगह है डंबल्स रखने वाली? भैया वो मैं आके निकाल देता हूँ अभी। अच्छा ठीक है यार, ढूंढ लूंगा, चुप हो जाए यार।
भगवान बात खोलो, मैं हूं अंदर, दरवाजा खोलो, कौन है बार? ये लाइट किससे बंद की? दरवाजा खोलो, सलीम, सलीम, मन्नत बहुत महंगा पड़ेगा ये, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है अंदर। सादिक भाई, अबे कब आया भाई तू? अबे यार सलीम सोने दे, फजर में आ गया। अबे यार क्या मतलब है यार, फजर में आया तू? बता दो देता यार कम से कम। क्या मतलब है बता देता? पैसे खत्म हो गए थे, भाभी को फोन किया, उन्होंने बोला आ जाओ काम पे, आ गया। दरवाजा खोलो, कौन है बाहर? वजी मियां, आराम से। अन्ने दरवाजा खोलो। बताइए रात कैसी गुजरी? अन्ने दरवाजा खोलो। मेरी माँ को भी ऐसी तकलीफ हुई, बहुत तड़पी थी। अन्ने तेरा दम घुट रहा है, दरवाजा खोलो। खोल देते, इतनी आसानी से तो नहीं मरने देंगे आपको। कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत मजाक बनवा दिया मैंने, अपना तमाशा बना के रखा भाई मेरा, निकला मेरे घर से।
दफा। क्या तमाशा चल रहा है? क्या तमाशा है? इस घर के बराबर के हिस्सेदारों में मत भूलो। तो ये कि मैं बयान दे चुकी हूँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। कुत्ता नहीं हूं मैं तुम्हारा, जिसको बंद करके चली गई थी रात में। क्या कहा था आपने? ये केस खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो चली जाएगी, है ना? क्या ये? चलो कितना पैसा दूं मैं आपको? किस तरह बात कर रहे हो तुम? मतलब कैसे बात कर रहा हूँ आपसे यार, उसने मेरा जीना आराम कर दिया है। आप उसे मारे पीटे कुछ भी करे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी एक गलती मेरी जान को आ गई है, आप कुछ भी करें, मुझे नहीं पता, कुछ पक्का काम करे बस। मैंने पहले ही कहा था वो औरत नहीं चिंगारी है। शोला बने या ना बने, जलाएगी जरूर। ये कहावत है ना, सुनाए मुझे यार। अब वो हमारे सामने खड़ी, तो पक्का काम करना चाहिए था ना। क्या पक्का पक्का लगा हुआ तुमने? मैंने अपना काम किया पूरा, बरी कराया था तुम्हें। घर की औरत संभलती नहीं तुमसे, और मुझे मेरा काम समझा रहे हो तुम? आप देर प्लीज अखिल भाई, इस टाइम पे ना लड़े मेरे से प्लीज। रिलैक्स होकर बात करते हैं ना। आपको अंदाजा नहीं है, उसने मेरा जीना हराम करके रख दिया है, उसने पागल कर दिया है मुझे। जब तक मुझे फांसी नहीं कराएगी, उसको सुकून नहीं आएगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, हाथ जोड़ता हूँ। आप कुछ भी करें लेकिन मुझे बचाएं बस। मैं पहले भी हो गया था, अब भी हो गया। वैसे केस कौन लड़ रहा है? वो खुद। खुद कैसे लड़ सकती है यार, आप हंस रहे हैं। आखिर भाई वो औरत पागल है, पागल है। अगर वो पागल है तो हम उससे बड़े पागल हैं। Thank you.
आपकी जिद ने मेरे भाई की जान ले ली। इनका लिबास पहन के क्यों अजियत देना चाह रही है मुझे? मेरी जिद ने गलत जाने ली। वो एक जान अभी बाकी है। मेरी जिद ने गलत जाने ली। वो एक जान अभी बाकी है। जो मेरी कोख में पल रहा है इसका क्या होगा? सीमा, मैं मजबूर हूँ सीमा। मेरे होने वाले पोते की मौत कहाँ है? वो जूते किसके? ये मेरे हैं। सिंगल गवारा है दिल मेरा। चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबां खोल दे। जमाने को सारी हकीकत बता, जो दिल में है तेरे वो सब बोल दे। तू दे जो दुहाई वो सुन ले खुदाई। मेरे मौला जो दिल दिया था ये तन्हाई दो दिन होती, जिसका अंजाम कह जाए होले होले दिल को दिल से मिला जाए।